कक्षा के आयाम, इसी क्रम में हमने पहले अपने बाबा गणमेश्वर पे अपना जो पहला एक जो क्रम बनाया था, तो आज हम लोग बाबा चटकेश्वर मंदिर में आए हुए हैं देवलाल गांव के पास। तो ये अपने जो सैनी शोर कहलाती है, तो अपने इस सैनी शोर में जो शिवालय है, क्योंकि इस पूरे सैनी शोर में एक प्रकार से अगर हम कहें तो इस स्थान पे जहाँ पे चटकेश्वर ये महादेव जी का मंदिर है, ये पूरे क्षेत्र का एक शिवालय है। शिवालय क्यों? क्योंकि प्रत्येक ग्राम के पास अपने लोक देवता हैं, क्योंकि अपने पहाड़ में प्रत्येक गांव में दो या तीन या चार जितनी राठें होती हैं या जितनी जाति के लोग रहते हैं, हर एक के अपने लोक देवता हैं। ऐसी अपने यहाँ प्रथा है अपने पूरे पहाड़ में, वो अन्य क्षेत्रों में भी है। तो उनमें से एक जो पूरे क्षेत्र का अगर हम कहें सैनी शोर या शोर घाटी का एक हिस्सा जो है, तो उस क्षेत्र में चंडाक से लेकर के अपने जाग सिरकुचे तक का जो इलाका आता है, तो इस घाटी क्षेत्र में जो शिवालय है, तो वो बाबा चटकेश्वर है हमारे। और जैसे हम ये कहें कि जैसे ये कह सकते हैं कि 16,000 से ऊपर गाँव है अपने उत्तराखंड में, तो उसमें मैंने एक बार काम किया था, जितने ये नौले हैं तो औसतन ये निकाला था कि हर गाँव में दो या तीन नौले पहले हुआ करते थे। तो ऐसे अगर हम देखें तो हर गांव में तीन या चार हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ तो करीब 50-60 हज़ार ऐसे हमारे लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं। तो उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं देवांगी, और जैसे कि माँ भगवती है, माँ चंडी हैं, या जो शिवालय हैं, तो वो तो होते हैं देवांगी। इसके अतिरिक्त जो दूसरा है वो होते हैं भूतांगी, जैसे गोलू जी हैं, तो वो उस रूप में शक्तिशाली होकर के लोक जीवन में प्रचलित होकर के उनको उनके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती हैं कि वो न्याय देवता या लोक हितकारी के रूप में उनका एक ऐसा स्थापना रहती है, पूजन कार्य शुरू होते हैं, और उनकी बड़ी मान्यता है। जो हमारे ऐसे देवता हैं दोनों प्रकार के, तो वो भी देव स्वरूप हो जाते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे 50,000 से ऊपर ऐसे लोक जो लोक देवता या भूमि देवता ऐसे अपने हैं। तो ऐसे में ही आज हम लोग यहाँ पे बाबा चटकेश्वर के मंदिर में हैं 1965 के बाद से, क्योंकि मैं यहीं सैनी गांव का रहने वाला हूँ। मेरा मानना है कि मतलब मैंने देखा भी है तो चटकेश्वर बाबा के रूप में, तो पहले भी यहाँ के क्षेत्र के लोग इसको मानते थे, यहाँ पे आते थे, हम लोग भी आते थे। जैसे अपना शिवरात्रि होती तो यहाँ पे मेला लगता है, तो पूजन कार्य करते हैं, हम लोग आते हैं, क्षेत्र के लोग आते हैं, पूरे इस क्षेत्र में है। जैसे हर अगर हम उधर देखें तो जैसे उसके यहाँ लगता है अपने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग शिवालयों में जब पूजा होती है शिवरात्रि के दिन, तो अपने यहाँ भी बाबा चटकेश्वर को यहाँ होती है। आज अपने साथ अपने ज़िले के, अपने पिथौरागढ़ क्षेत्र के जाने माने शिक्षा के क्षेत्र में जो जाना माना नाम है डॉक्टर अशोक कुमार पंत जी, ये भी हमारे साथ हैं। और क्योंकि ये करीब 16 साल से इसी के चटकेश्वर बाबा के परिसर से लगा हुआ आपका शिक्षा संस्थान है, तो करीब 2006 से यहाँ पर आप हैं, तो आपके अनुभव भी हैं और इसके बारे में जानते भी हैं आप। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है और इसका पुराना विगत जो इतिहास है उस पर डॉक्टर अशोक कुमार पंत जी। देखिए, मुझे भी यहाँ पर हमारी संस्था है मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, और उससे पहले मानस एकेडमी हमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर है। तो लगभग 16 वर्षों से हम लोग लगातार इस भूमि पर हैं, और जो संस्थान है वो चटकेश्वर बाबा की भूमि पर है। और वैसे तो अगर भारतीय वाङ्मय में आप देखेंगे तो द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो की अवधारणा है, जो कि पूरे वेदों में उपनिषदों में जिनकी मान्यता है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में चूँकि ये देवभूमि है, तो स्थानीय स्तर पर भी जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के देवताओं का वास है। आप यदि पिथौरागढ़ में देखिए, 6 पट्टी सोर का इलाका है, और 6 पट्टी सोर में जितनी पहाड़ियाँ हैं, जितनी वसासतें हैं, उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से उनके अपने अपने स्थान यानी मंदिर बने हुए हैं। और एक विशेषता ये है कि जितने भी ऊँचाई वाले स्थान हैं वहाँ पर देवी का निवास है, तो जयंती हो, काली हो, महालक्ष्मी हो, जो भी हो, और उसके निचले स्थान पर हर जगह पर, और विशेष रूप से जहाँ पर नदियाँ हैं और नदियों का संगम है, वहाँ पर शिव के निवास स्थान है।
तो चटकेश्वर का जो यहाँ पर स्थापना की गई, तो चटकेश्वर की पहले ये इलाका है, बताते हैं कि जिस इलाके में अभी हम लोग खड़े हैं बिल्कुल वीरान इलाका था, और पूरा जो दौला देवलाल गांव, मखौली गांव, नैनी सैनी, ये पूरा इलाका है, यहाँ के लोग इस जगह पर अपनी फसल के लिए बिन्ना लगाते थे, बीज बोते थे, नर्सरी डेवलप करते थे, और यहीं पर ये मंदिर के नीचे चार घराट हुआ करते थे। तो पूरे आसपास के इलाके के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था कि अनाज भी यहीं से उगा रहे हैं, अनाज के बिन्ने यहाँ से उग रहे हैं, और बात को उसको पीसने का काम घराट से होता था। ये दो नदियाँ यहाँ पर जो हैं रिवुलेट्स, यहाँ पर इनका संगम है। तो ये स्थान जो है, ऐसा माना गया था कि ये कई तरह के भूत प्रेत आत्माओं का निवास भी यहाँ पर पास में हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ को इस तरह से भी प्रयोग किया जाता था, जो बच्चों के शव वगैरह थे उनको दफनाने की यहाँ पर प्रथा थी। तो ये इलाका थोड़ा भूत प्रेत आत्माओं से भी घिरा हुआ था। तो ऐसा बताते हैं कि जो गांववासी इस इलाके में आते थे और यहाँ से आगे ध्वज वाले रास्ते की ओर आगे बढ़ते थे, तो उनको उस प्रेतात्माओं से जो डर भय था उससे मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर चटकेश्वर महाराज का अवतरण हुआ। तो ऐसा बताया जाता है कि जो चटकेश्वर, जिसको हम कहते हैं कि ये ब्रह्मा के द्वारा जो स्थापित शिवलिंग है, तो कई जगह तो साक्षात शिवलिंग जमीन से ऊपर स्थापित है, लेकिन इस शिवलिंग के बारे में ये मान्यता है कि यह शिवलिंग पहले ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया तो भूमिगत था, और अकस्मात एक ऐसी घटना रखी कि इस इलाके में के संपन्नता के लिए, रक्षा करने के लिए, ये जो ये रॉक आपको दिखाई पड़ रही है पीछे, उसमें से चटक करके यानी टूट करके अचानक ये शिवलिंग प्रकट हुआ, तभी से इसको चटकेश्वर भी इसका नाम दिया गया, कि जो लोगों की रक्षा करने के लिए स्वतः स्फूर्त होकर यहाँ पर प्रकट हुए। और हम तो 16 साल से इसको देख रहे हैं कि इस इलाके में इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है, साक्षात चटकेश्वर महाराज लोगों की रक्षा यहाँ पर करते हैं, और हमारे संस्थान के लिए तो निश्चित रूप से ये आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो मुझे लगता है कि इस स्थल को जो यहाँ के ग्रामवासियों ने इतना विशाल स्वरूप दिया, धाम का रूप दिया, ये बड़ा सराहनीय प्रयास है। हमारे साथ इस दौला गांव के भगवान सिंह बिष्ट जी हैं, और ये पूरा मंदिर जो भव्य बना हुआ है, मुझे लगता है सूरघाटी का सबसे आकर्षक मंदिरों में है, उसका निर्माण कार्य भी आप ही के हाथों संपन्न हुआ है, क्योंकि ये यहाँ के मूल निवासी हैं, इनका जन्म यहाँ पर हुआ है। तो ये इसके कि ये कैसे यहाँ पर इनकी स्थापना हुई, किस रूप में, तो इसके बारे में अपने भगवान सिंह बिष्ट जी बताएंगे। चटकेश्वर बाबा के मंदिर में सर पहले छोटा मंदिर था, बहुत छोटा मंदिर था, तो फिर सारे गांव वालों ने लग के, सबको सबने लग के मिल के इसको बहुत बड़ा बनाने की सोची, बड़ा बनाया भी, सबने छपट्टी शोर ने सहयोग किया, और इसमें छपट्टी शोर वाले इसमें पूजा अर्चना भी करते हैं, और इसमें और जगह तो जैसे शेरा देवल यहाँ है, यहाँ तो 22 गांव वाले पूजा भोग लगाते हैं, और यहाँ पे भूटान से ले कर प्लेन तक कोई किसी का भी भोग चटकेश्वर बाबा खा लेते हैं, किसी से भी ले लेते हैं भोग अपना, क्योंकि ये सबको सबका भला करते हैं, यहाँ पे आया जैसा ये करते हैं सबका जी। अब इनका जो यहाँ पर स्थापना के बारे में, जैसा आप बता रहे थे कि नेपाल से लाए, और ऐसा ना जो इसकी मान्यता है जी, सबसे प्रचलित मान्यता है कि ये यहाँ पर कैसे इसकी स्थापना हुई जी, उसका थोड़ा सा इतिहास जी। जी पहले यहाँ सेठी परिवार रहते थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो ये खूनी वाले मुलगड़िया जी जो थे, वो लाए चटकेश्वर को नेपाल से। उसके बाद फिर उनको सपना हुआ सेठी जी को कि यहाँ पे मैं आ गया हूँ और आपका धूप पोखल खाना चाहता हूँ, तो उन्होंने वो आए तो यहाँ बत्ती जलाने के लिए नदी आई थी, वो नदी में पार नहीं कर पाए, उन्होंने यहीं पे जहाँ पे अभी शिवलिंग है वहाँ पे किरमुड़ी का झील था बन, तो उस झील के पास वो बत्ती जला के मोहने से ढक गए। तो उसके बाद वो दूसरे दिन आए, मैं रोज़ आऊँगी यहीं पर बत्ती जला जाऊँगी, आप अगर सकते हो तो भगवान यहाँ आ जाना। तो उसके दूसरे दिन भगवान भोलेनाथ यहाँ पे प्रकट हो गए, तो उन्होंने वो रोज़ आते रहे, वो बत्ती जलाते रहे। उसके बाद इसको पूजने की व्यवस्था नहीं हुई, तो उन्होंने एक देवलाल जी को यहाँ बैठाया गया, बोला आप हमारा देवता पूज दोगे, आप यहाँ पे रहो। वो भी नेपाल से आए थे, उनको बैठा के, उनको बैठाने के बाद, उनको जगह देने के बाद, उस दिन से वो पूजा पाठ करते हैं। और यही मतलब हमने जो हमारे बुजुर्गों के मुँह से इतिहास सुना था, यही इतिहास सुना था। तो आपका ये मानना है कि ये
मतलब नेपाल से जी, जो इसका मूल है हमारे चटकेश्वर बाबा जी, का जी, वो नेपाल में है। नेपाल वहाँ के जो कि निवासी इधर की ओर आ गए जी, क्योंकि पहले नेपाल भी हमारा हम भी उसी के हिस्से थे जी, तो वहाँ से जो निवासी इधर को आए तो अपने कुल देवता कुल देवी ऐसा लाए ऐसा हम लोग जानते हैं जी, तो इसको भी वहाँ से वो लोग ले आए अपने कुल देवता। यहाँ पर उन्होंने उसी प्रक्रम में यहाँ पर जब इसकी वो ले जा रहे थे या जो जैसा आपने बताया कि यहाँ पर ये वो आप अपने गंतव्य स्थान तक नहीं जा पाए, नहीं जा पाए यहीं पर रुक गए या एक विश्राम लिया उन्होंने या तो फिर उसके बाद वो यहीं पर प्रकट हो गए, ये इसकी एक मान्यता है जी जी जी, ऐसा आपका जी, यही मान्यता है। तो ये बहुत बेहतर तरीके से जो क्योंकि यहीं पर ये यहाँ के मूल निवासी हैं भगवान सिंह जी, तो उन्होंने बेहतर तरीके से बताया कि हमारे यहाँ पे अधिकतर जो देव क्योंकि नेपाल के साथ हमारा कहते हैं ना हमारे सांस्कृतिक रोटी बेटी का प्रश्न है, तो हम आज भी जो मान्यताएं हैं जो हिंदू संस्कृति है वो नेपाल में आज भी बहुत ज़्यादा ये माना जाता है कि दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है आज भी, तो उसकी जो मान्यताएँ हैं तो हम पूर्ण रूप से जो हमारा पहाड़ी है क्षेत्र है या हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड है आज भी पूर्ण रूप से हिंदू संस्कृति का वाहक है एक प्रकार से, इसीलिए ये कहा जाता है कि यहाँ पे हर कंकर है वो भी शंकर है। अपने साथ अभी मंजीत देवलाल, क्योंकि देवलाल ही इसके पुजारी होते हैं अपने बाबा चटकेश्वर के, वो देवलाल गांव के मुख्य निवासी हैं मूल निवासी, और यहां पे धूप बत्ती या जो पूजन का कार्य अपने देवलाल लोग ही करते हैं, तो अपने बीच में आज ये मंजीत देवलाल हैं ये बताएगा, क्योंकि जहाँ तक तो मेरी जानकारी में भी है कि न्याय के देवता के रूप में भी माने जाते हैं अपने इस सैनी सोर के अंदर, जब किसी को कोई न्याय नहीं मिलता है तो तब भी लोग यहाँ पर पुकार लगाते हैं, तो ये इन चीज़ों के बारे में ये ज़्यादा बताएगा इनकी मान्यताओं के बारे में। तो हम अब जानते हैं मंजीत देवलाल से कि वो इसके बारे में अपने पूर्वजों से जो भी ज्ञान इसने अर्जित किया होगा इसके बारे में ये बताएंगे मंजीत देवलाल। नमस्कार सर, चटकेश्वर मंदिर छः पट्टी सौर का मंदिर है, कोई भी हमारे पहले अगर मंगल कार्य होते हैं पहले हम चटकेश्वर मंदिर में ये पूजा अर्चना करते हैं, चटकेश्वर देवता को निमंत्रण देने के बाद अपने कार्य संपन्न करते हैं। आज आस्था के आयाम के क्रम में आज हम लोगों ने बाबा चटकेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त की, और क्योंकि ये अपने पहाड़ों में जैसे मैंने जैसे हम जानते हैं कि पहले छोटे थान होते थे, अगर जितना मैंने अपने सामने देखा है विगत 55 वर्ष पहले तो छोटे थान होते थे हर गांव में, आज हर गांव में भव्य मंदिर बनने लग गए हैं, और एक जो बड़ा उदाहरण है हमारे सामने और इस क्षेत्र का जो भव्य मंदिर बना है सबके सहयोग से वो अपना बाबा चटकेश्वर हैं। तो इस क्रम में आज हम लोगों ने यहाँ पर जो जानकारी जुटाई इनके बारे में उससे हम समझते हैं, जैसा मेरा मानना है या हमारा जो ये धार्मिक चैनल है इसके इसका हमारा मानना है कि हम लोग अपने जो हमारा लक्ष्य है कि हम अपने युवाओं में कर्म के साथ धर्म के प्रति भी आस्था जगाएं, उस क्रम में हम अगले एपिसोड में फिर आपके सामने आएंगे किसी नए अपने क्षेत्र के मंदिर को लेकर के। धन्यवाद।